रिस्पेक्टेड जनाब ZAO रिटायर मेला राम जी, जिसके आज भी लाखों दीवाने हैं। ये हांडी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और ये इसके बाद आप इसको अपने पास रख लें। ये जग है हमारे पास, ये भी अच्छी क्वालिटी का है। ऑयल डिस्पेंसर है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है जम्मू कश्मीर की खूबसूरत पहाड़ों से। आज बहुत ठंड है, ज़बरदस्त सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आज मैं एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत गांव है सैली गांव। बिना देरी के करते हैं वीडियो शुरू। गाइस, अभी मैं रूबरू हूँ सैली गांव में। सैली गांव भी दो तीन चीज़ों से बहुत मशहूर है। सैली में जो मिट्टी पाई जाती है वह है सफ़ेद मिट्टी। यहाँ पर हर किस्म की सब्जी तैयार होती है। खूबसूरत क्यूट से बच्चे, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जहाँ भी जाता हूँ बच्चों को भी ये पता चला है कि एक यूट्यूबर है, वीडियो बनाते हैं, बड़ी खुशी इनको भी मिलती, मुझे भी खुशी मिलती। लिलाल, शाबाश लिलाल जी। कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? थर्ड। थर्ड में पढ़ते हैं। ये यहाँ पर स्कूल कहाँ पर है आपका स्कूल? बनी। अब डेली जाते हैं बनी में? इन ब्लॉगर्स चैनल को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ये हमारे लोकल यूट्यूबर हैं। ये जो शॉप है ये रईस वानी साहब की है, और इनका इखलाक हद से ज़्यादा, बात करने का जो ढंग है इनका, यार दिल खुश होता है। कोई वैरायटीज आपको जम्मू में नहीं मिलती है, तो आपको सैली में आना, वो वैरायटी आपको सैली में मिल जाएगी। ये हांडी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और ये इसके बाद आप इसको अपने पास रख लें। ये जग है हमारे पास, ये भी अच्छी क्वालिटी का है। ऑयल डिस्पेंसर है, ठीक है। उसके बाद आप अपना सामान साइड पे रख दें। और आपको इसमें 20% तक जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। दूर दूर से लोग आते हैं खरीदने के लिए, वरना हमारे गांव के लोग कहाँ जाते हैं? जम्मू, पठानकोट, कठुआ, लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ खरीदने के लिए आते, क्योंकि नजदीक है, हमारी गांव की शॉप है और सबसे बड़ी शॉप है। सीढ़ीदार रास्ता है, ढलवान ढलवान जगह है यहाँ पर। ये रईस वानी साहब का लखते जिगर है, और मेरे साथ गाइड है इस वक्त गाँव की ओर, हम इकट्ठे जा रहे हैं। ऊपर से जहाँ भी मैं जाता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल मेरे सामने आते हैं, मुस्कुराते हैं। मैं ऐसी हस्ती का जिक्र करने वाला हूं इस वक्त, जिसका शुमार जम्मू कश्मीर के गिने चुने स्टेट सेक्रेटरी में आता है। रिस्पेक्टेड जनाब ZAO रिटायर मेला राम जी, जिसके आज भी लाखों दीवाने हैं, और जिसमें एक मैं भी उसका दीवाना हूं। उनकी आवाज पूरे जम्मू कश्मीर में गूंजती है, वो भी इसी सैली गांव में रहते हैं। पानी का पूरा शीशा बन गया, ये पूरा शीशा बन गया, इस पर हम अपना पैर डाल ही नहीं सकते हैं, पूरा स्लिप हो जाएगा। ये देखो, गाइस ये मेरे फॉलोअर भी हैं। ये नरेश कुमार है, इसके कंधे पर ये कद्दू है, और दो आदमी ने पकड़ के रखा है, और कम से कम ये है कद्दू 20 केजी से कम नहीं है, अंदाजा मेरा ऑलमोस्ट, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मगर इतना है, क्योंकि काफ़ी वजन है, दो आदमी ने ये कंधे पर उठा के रखा है। ये एक्सपर्ट भी बहुत हैं हमारी बनी वैली में, अगर देखना हो तो लवहार का काम यहीं पर सबसे ज्यादा होता है, बहुत एक्सपर्ट है। मगर इसके साथ साथ एक और एक्सपर्ट मेरे सामने है रूबरू, वो है मेला राम जी। ये डांस में इतना एक्सपर्ट में हद से ज्यादा, इसने सरथल में डांस की थी,
आज भी लोग याद करते हैं। गाइस यहाँ पर सैली में बहुत ही एक्सपर्ट हैं जो लोहार का काम करते हैं, उनका नाम है बंसी। अभी मैं उनके घर जा रहा था, मगर यहाँ पर नहीं, वो रोड साइड में दुकान कर रहे हैं। गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये लोहार का काम करते हैं। अभी तो यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। अभी मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, जो अपर सैली है, सबसे पुराना गांव, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ इस वक्त। अभी मुझे लगेगा कम से कम 5 मिनट ऊपर जाने तक। गलियाँ जो बनी है ना, पक्की गलियाँ बनी है यहाँ पर, सीढ़ीदार, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है सैली में। ये रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े मकान यहाँ नज़र आ रहे हैं मुझे। गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ जो सबसे पुराना गांव है, वो यही गांव है। यहीं छोटी सी मार्केट हुआ करती थी, कम से कम 30 साल पहले भी यहां पर 5-6 शॉप्स हुआ करती थी। यहां पर जो फ्रूट होता है, सेब, नाशपाती, पलम, अखरोट, खुबानी, बड़ी मकदार में पाई जाती है यहां पर। यहाँ पर कोहरा हद से ज्यादा है, अगर स्लिप लग गई तो समझ लो काम हमारा खराब। हिमालयन ब्लॉगर, हिमालयन ब्लॉगर। गाइस ये मेरे फॉलोअर हैं, ये मुझे सैली से काफी ऊपर मिले और दिल में खुशी होती है जब भी मुझे फॉलोअर अपने मिलते हैं। विनोद कुमार आपका? मोहम्मद इसाक, ये छोटा क्यूट सा बच्चा है। आपका नाम? यासर अरफात साहब है ये। गाइस अभी मैं वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा कड़म की सब्जी तैयार होती है। यहाँ पर जो मिट्टी है, इस सफ़ेद रंग की मिट्टी, इसमें सबसे ज़्यादा कड़म तैयार होता है। इस वक्त तो यहाँ पर बर्फ़ है, यहाँ बर्फ़ के नीचे आ गई है सब्जी। अब वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक्स, कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।